चिखली इलाके में स्थित स्टील गोदाम के चौकीदार की हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नंदनवन पुलिस का एक गश्ती दल शाम को गश्त पर निकला था, तभी उसे उदयनगर चौक पर उदय लॉन के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में नजर आया। उसे पकड़कर थाने लाया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी का नाम पंकज किशोर मोरे पार्टी भांडेवाड़ी अबू मियानगर निवासी बताया गया है। पंकज मोरे ने बताया कि 21 फरवरी की रात 12:30 से 1 बजे के आसपास वह स्टील कंपनी के चौकीदार नामदेव बावने से अपने पैसे मांगने के लिए गया हुआ था। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। नामदेव ने पंकज पर हाथ उठा दिया। इस पर पंकज ने लकड़ी के डंडे से सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ के बाद आरोपी को कलमना थाने के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी का नाम है पंकज किशोर मोरे। वह त्याचं वर्ष 32-33 वर्ष आहे। काल दिनांक 23 रोजी नंदनवन हद्दीत भारत बंद अनुषंगाने बंदोबस्त लावण्यात आला होता। त्या कामी माझे 30 कर्मचारी आणि 4 अधिकारी मी लावलेले होते। त्यामध्ये आमचा जो कॉन्स्टेबल आहे अमोल विठ्ठलराव जासूद आणि आम्ही पेट्रोलिंग करत असताना एक व्यक्ती आम्हाला पाहून पडत होता, तर मग त्याला आम्ही धरून आणला। त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशनला CCTV अंतर्गत आमची प्रणाली आहे, त्याच्यावर काही गुन्हे वगैरे दाखलायच्या पहिले तर त्याच्यावर 2016 गुन्हा दाखल असल्याबद्दल आम्हाला समजलं। त्यानंतर त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली, का पळत होता, कुठे पळत होता, का घाबरला वगैरे, तर त्याने कळमना आधी जो 21 तारखेला जो मर्डर केला होता त्याची कबूल दिली। त्या अनुषंगाने आम्ही चोरशांशी बोललो, त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं आणि कळंग पुरुषांना तो आरोपी आम्ही वर्ग केला। हां, तर मग त्या बाबांनी आणि याचा वाद झाला आरोपीचा, तर त्या बाबांनी याला काठीने मारलं, याने तीच काठी उचलली आणि बाबांच्या डोक्यावर वार केला आणि त्याच्यात ते गतप्राण झाले। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्राकडे के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।